लोक नाम गान नतिभिः काला बसानी कृतौ निद्रा आहार विहार कादि विजितौ चत्यंत दिनौ चजौ राधा कृष्ण गुण स्मृति मधुरिमा नंदेन समाहितौ वंदे रूप सनातन रघुजुगो राधा कुंड तटे कलिंद तनया तीरे च बंसी बटे प्रेमन्मादवसाद शेष दशया ग्रस्तौ प्रमतौ सदा गायन्तौ च कदा हरिर्गुणवरं भावाविभूतौ मुदा वंदे रूप सनातनौ रघुजुगौ हे राधे व्रज देवी के चललिते हे नंद सुना कुतः श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले कालंदी बने कुत घोषंता बीति सर्वत्र व्रजपुरे खेदरी महाबिहलो वंदे रूप सनातन रघुजुगो श्री जीव गोपाल को शरच्चंद्र भ्रांति स्फुर दमल कांति गज गति हरि प्रेमन्मत्तं धृत परम सत्तं स्मितमुखं सदा घूर्ण नेत्रं करकलितवेत्रं कलिभिदं भज नित्यानंदं भजन तरुकंदं निरवधि रसनामागारं सजनगणं सर्वस्यमतुलं तदीयैक प्राण प्रतिम वसुधा जन्नवापतिं सदा प्रेमन्मादं परमविदितं मंदमनसा भज नित्यानंदं भजन तरुकंदं निरवधि सची सूनु पृष्ठं निखिल जगदीष्टं सुखमयं कलौ मज्ज जीव धरण कर्ण धाम करुणं हरिर्व्याख्यनाद वभव जलधि गर्भो नति हरं नंदं भजन तरुकंदं निरवधि तथा प्रायश्चितं रचय तदनायस्य तैमे व्रजंती त्वामी तंस भगवता मंत्रयति जो भज नित्यानंदं भजन तरुकंदं निरवधि जतेष्टंग्री भ्रातः कुरु हरि हरि ध्यान मनिषं ततो भो संसारं बुधि तरणदायो मयि लगे इदं बाहुस्फोटै रटति रटयन च प्रतिगृहं भज नित्यानंदं भजन तरुकंदं निरवधि बलात् संसारंबनिधि हरण कुंभ भौम शतं श्रेय सिंधुनति कुमुद बंदं समुदितं कलश्रेणी स्फुर्जति मिरहर सूर्य ब्रह्मं भज नित्यानंदं भजन तरुकंदं निरवधि नटन्तं गायन्तं हरिमनुवदन्तं पथिपथि व्रजन्तं पश्यन्तं स्वपि नदयन्तं जनगणं प्रकुर्वन्तं सन्तं सकर्णदृगन्तं प्रकलना भज नित्यानंदं भजन तरुकंदं निरवधि सुविभ्राणं भ्रातु करसरसिज कोमलतरं मिथो भोकत्रालोकचलित परमानंद हृदयं भ्रमन्तं माधुर्यमदयन्तं पुरजनान् भज नित्यानंदं भजन तरुकंदं निरवधि रसानामाधानं रसिकपरसदिष्टवदनं रसागारं सारं पतिततितारस्मरणत परं नित्यानंदष्टकमिदं पूर्वं पठतिज तवांग्रिदन्दब्जं स्फुरति नितरां तस् भज नित्यानंदं भजन तरुकंदं निरवधि सखे कालय गौरमुदारं सखे कालय गौरमुदारं निंदितहाटक कांति कले बर निंदितहाटक कांति कले बर
गर्भित मारकमारम सखे कलय गौरमदारम सखे मुदा सखे कलय गौर मुदा मधिक जरंजित मालति मणित जित घन चित के तिलक विनिदित ससदर रूपक सदर रूपक भुवन मनहर वेद सखे कलय गौरमदारम सखे कलय गौरमदारम सखे कलय गौरमदारम स्मित लोभित तनुभूत अनुपमा भाव बिला
निखिल निज जन मोहित मन स सखे निखिल निज जन मोहित मन स विकथित गद गदवा असं सके कलय गौर मुदा सखे कलय गौर मुदा परम किंचन किंचन नरगना करुणा वितरणशील क्षोभित दुर्मति राधमोहन क्योभित दूर्मति राधा मोहन दूर्मति राधमो नो नामक सखे कलय गौर मुदा सखे
के कलया गौर मुदा देवादिदेव भगवान कामपाल नमस्तुते नमनंताय शेषाय साक्षद्रामाय ते नमः धराधराय पूर्णाय सोधमने शिरपाणे सहस्रशिरसे नित्यं नमः संकर्षणाय ते रेवतिरमणतं वैबलदेवचिताग्रज हलायुद्ध प्रलम्बग्न पाय मां पुरुषतम बलाय बलभद्राय तालंकाय नमो नमः नीलंबराय गौराय रैनायाय ते नमः तेनुकारि मुष्टिकारि कुटारिदलुलंतक रुक्मरिकुपकन्नारि कुम्मण्डरिस्तमेवै कालदिभेदनुस्तकंस्तिनापुरकर्षक दिविदार्जदवेन्द्रवजमण्डलमण्डन कंसभातृप्रहन्तास्य तीर्थयात्रकर प्रभु दुर्योधनगुरु साक्षात् पाई पाई प्रवततो जय जयाच्युत देव परात्पर संगनंत दिगंतगत श्रुता सुरमुनिन्द्र पाणिन्द्र परायते मुसलिने बलिने हलिने नमः जपट सततं स्तवनं नरः सतु हरे परमं पदमा ब्रजे जगति सर्वबलं त्वरिमर्दनं भवति तस्य गणं सजनगणं नमस्ते स्थलग्राम नमस्ते मुसलायुद्ध नमस्ते रेवति कांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनांग श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारि नमस्तेभ्यं त्रायमां कृष्णपूर्वजं नमस्ते सुभद्रा देवी कृष्ण भक्ति प्रदायिनी कृपया कृष्णपादाजे भक्ति मह्यं प्रदीयतां यगदानंदकंदाय प्रणतार्तिहराय च नीलांचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः नीलांचल निवासाय नित्यया परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः श्री जगन्नाथ नीलाद्रि शिरोमणि मुकुट रत्न हे दार ब्रह्मन घनश्याम प्रसिद्ध पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ नीलाद्रि शिरोमणि मुकुट रत्न हे दार ब्रह्मन ज्ञान श्याम प्रसिद्ध पुरुषोत्तम प्रफुल्ल पुंडरीकाख्य लवणाब्धि तटामृत गुटिको दर्मा पाहिना नभगपुर दारा जगन्नाथ नीलाद शिरोमणि मुकुट रत्न हे दार ब्रह्मन घनश्याम प्रसिद्ध पुरुषोत्तम निजधर सुददायिनी इंद्रदिम्न प्रसादिता शुभ कलायन व्यग्र
रामानुज नमत ते। गुंडीचा रथ यत्रादि महोत्सव विवर्धना भक्त वत्सल गुंडीचा रथ मंडन जगन्नाथ नीलाद्रि शिरोमणि मुकुटर रहे दर्शम घनश्याम प्रसिद्ध पुरुषोत्तम दीनहीन महनीच दयाद्रीकृत मानस नीत नूतन महात्मा दर्शन चैतन्य वल्लभ जगन्नाथ नीलाद शिरोमणि मुकुट रत्न दर्शम घनश्याम प्रसिद्ध पुरुषोत्तम जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ हो जय जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भव तुम जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ जगत रना जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ ओ जगन्नाथ 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 जय जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ जगन्नाथ
जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ श्री जगन्नाथ 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 जय 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 जगन्नाथ 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 गृहे राधव निराधा राधा पृष्ठे पुरस्थिता यत्र यत्र स्थिता राधा राधैवाराध्यते मया जिह्वा राधास्रुतौ राधा राधा नेत्र हृदय स्थिता सर्वांग व्यापिनी राधा राधैवाराध्यते मया पूजा राधा जप राधा राधिका चाभिवंदने स्थितौ राधा शिरो राधा राधैवाराध्यते मया गाने राधा गुणे राधा राधिका भोजने गतो रत्रौ राधा दिवा राधा गाने राधा गुणे राधा राधिका भोजने गत रत्रौ राधा दिवा राधा राधैवाराध्यते मया माधुर्य मधुरा राधा महते राधिका गुरु सौंदर्य सुंदरी राधा राधैवाराध्यते मया राधा रस सुधा सिंधु राधा सौभाग्य मंजरी राधा ब्रजंगना मुख्या राधैवाराध्यते मया राधा पद्मनना पद्मा पद्म भवस्य पूजिता पद्म विवेचिता राधा राधैवाराध्यते मया राधा कृष्णात्मिका नित्यं कृष्ण राधात्मज ध्रुवं वृंदावनेश्वरी राधा राधैवाराध्यते मया जिहाग्रे राधिका नाम नेत्राग्र राधिका तनु कन्नी च राधिका कीर्ति मानसे राधिका कृष्णेन पठितं तत्रं राधिका प्रीतये परं जपठेत् प्रयोत नित्यं राधा कृष्णतिगो भवेत् आराधित मनः कृष्ण राधा राधित मानस कृष्णा कृष्ण मना राधा राधा कृष्ण तिज पठे कृष्णा कृष्ण मना राधा राधा कृष्ण तिज पठे नमामि सौरं स चिदानंद रूपं लसत कुंडलंगो कुले भ्रजमानं यशोदभियलु खलभावमानम् परमृष्टमत्यं ततद्रुत्यगोप्या मामिशोरं स चिदानन्दरूपं लसत् कुण्डलंगो
कुल ब्रजमान। रुदन्तं मोहो नेत्र जुगमं मृजन्तं करम्भोज जुगमेन सातंक नेत्रं मुहुसाशकं प त्रिरेखाकंत त्रितग्रैवधामो दरं भक्ति ब चिदनन्दरूपं लसत् कुण्डलङ्गो कुले दृक्सोलिला भिरानन्दकुन्दे सुघसङ्गीमजन्त माख्यापयन् तदीयसितागसु भक्तै जिततं पुनः प्रेमततं शतवृत्तिवन् चिदनन्दरूपं लसत् कुण्डलङ्गो कुलब्रजमानम् वरं देव मोक्षा न मोक्षबोधिम्बा न चानं वृणेया वरसादपिया इदन्ते वपुनत गोपाल बालं सदा मे मनसाभिरतं किया
दलदरूप लसत कुंडलंगो कुल ब्रजमान ते मुखाम्भुज अवैक्त नीलय वृतं कुंतलय स्निग्ध रक्तश्च गोपा चुंबितं बिंब रक्ताधरं मे मनसा विरास्ता मलंगलकला चिदनंदरूप लसत कुंडलंगो कुल ब्रजमान नमो देवदामो दरनंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभो दुख जलाब्धि मग्न कृपदृष्टि ब्रूषति दीनं बतान प्रभु कृपदृष्टि ब्रूषति दीनं बतान गृहणे समामग्न मेधति वृक्ष नमामि तोरं चिदनन्दरूपं लसत कुंडलंगो कुल ब्रजमान कुबेरात्मा जब तया मोचित भक्ति भज कृत तथा प्रेम भक्ति सुकांग में प्रयाचा
सत प्रेम भक्त सकांग में प्रयाच नमक द्रोमती दामोदरे सिदानंदरूप लसत तुंडलंगो तुले ब्रजमा दामने पुरदीप्ति धामने तो दिया दराय विशोष धामने नमोराधिकाय तदीय प्रियाय नमोराधिकाय तदीय प्रियाय नमन तलीलाय देवाय तो नमामि सोरं सचिदानंद रूपं लसत कुंडलंगो कुले ब्रजमानं यशद भीलु खल दवमान परमृत मर्त्यंत तदृत गोप्या नमामि सोरं सचिदानंद रूपं लसत कुंडलंगो कुले ब्रजमान राधा दामोदर 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 अंगं श्यामलिमच्छदा भीरभीत मंदिकृतेन्दिवरं जाड्यजागुडरुचिसां विद्धतं पटं परशस्त्रिया वृंदारण्यविलासिनं हृदि लसदामाभिरामदरं राधास्कंद निवेशित जलभुजं ध्याये मदामदरं राधास्कंद निवेशित जलभुजं ध्याये मदामदरं निखिल स्तुति मौली रत्नमलादिति निराजित पाद पंकजांत
हरि मुक्त कलिरुपास्यमानं परितस्तं हरि नाम संश्रयामि। जय नाम देव मुनि बृंद गये जन रंजन परम कराकृते तमनादरादपि मनगुदिरी तं निखिलगताप पटलिं बिलुम्पसि। यदा वस्य पदन कवलित भवदंत विभव दुसंतत्पन्न विदिशति भक्ति प्रणयिनी यदि ब्रह्म साक्षात् कृत निष्ठयापि बिना समायाति बिना न भोगै अपैति नाम स्पुरणे न तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरोति वेद। अगधमनु सदानंदन नंद सूत कमलनयन गोपी चंद्र वृंदावनेन्द्र प्रणत करुणा कृष्ण वितनेक शरीफे थैमर तीर्चय वर्धतं नाम देव वाच्यं वाचक मृत्युदेति भूत नाम स्वरूपते पूर्वस्मात् परमे वहंत करुणं तत्रापि जानीमहे यत्तस्मिन् विहिता पराधनिव प्राणी समन्ता भवे दस्यने दोपास्य सोपि सदानन्दमुदमज्जति। श्रीतार्जन सीताजनार्तिरास्य रम्यचिद्गणसुख स्वरूपिणि नाम गोकुलमोच्छ्वयते कृष्णपुण्य वपुषे नमो। नारद वीण जीवन सुधर्म निर्जा समाधिपुर संकृष्ट नाम कामं स्फुर मे रस निरसना सदा संकृष्ट नाम कामं स्फुर मे रस निरसना सदा। श्री मथुरास्तव मुक्तिर गोविंद भक्त वितरण चतुरं सचिदानंद रूपं जस्यं विद्यति विद्यायुगलं मुदयते तारकं पारकं च कृष्णस्य उत्पत्ति लीला कनिरखिल जगन्मौली रत्नस्य साचे वैकुंठर प्रतिष्ठ प्रथयतु मथुरा मंगलानं कलापम्। वैकुंठर प्रतिष्ठ प्रथयतु मथुरा मंगलानं कलापम्। कोटिं दिस्पृष्ट कांतिरभा साजूत भव क्लेशय धैरजध्या माया वित्रासि वासा मुनि हृदय मुसदिव्य लीला स्रवन्ति। सासी काशी समुख्यामरपति विरलं पार्थी तद्वारकार्य वैकंठरोद्गीत कीर्ति दिशतो मधुपुरी प्रेम भक्ति श्रियंब। बीजं मुक्ति तरोरनर्थ पटलिं निस्तारकं तारकं धाम प्रेमरसस्य वांचित धुरा संपारकं पारकं। एतद् यत्र निवासिना मुदयते चिच्छक्ति वृत्ति दयं मथनात् व्यसनानि मातुरपुरी सावश्रियं च क्रिया। अद्यावन्ति पतद्ग्रहं कुरुकरे मायसनैर्बीजय छत्रं कांचि गृहाण काशी पुरतः पादजुगं धारय। नाजध्ये भज संभ्रमं स्तुतिकथं नोद्गारय द्वारके देव्यं भवति सुहंत मथुरा दृष्टि प्रसादं दधे। देव्यं भवति सुहंतं मथुरा दृष्टि प्रसादं दधे। गंगेय चांपेय तड़ित विनिंदे रुचि प्रवाह तपितात्म ब्रंदे बंद करंद दीपवास बृंदे नमस्ते चरणारविंद बिंबाधर दि तरमदहास नासाग्र मुक्ता विचित्ररत्न वर्णाश्रियादि वृंदे नमस्ते समस्त वैकुंठ शिर मन श्री कृष्णस्य वृंदावनधान्य धाम दत्ताधिकारी विश्वान पुत्र वृंदे नमस्ते। तोया गया पल्लव पुष्प वृंदा
मृगादि बिरमादब केली कुंज मद्वादि बीवा विभूषमाना तो दीय दूते निकुंज जुना ऋतु तय केली बिला ससीदि तत्सौभगं केन नीरोचतं तत् वृंदे नमस्ते रसाभिलाष बसती च वृंदा वने तदिशा विसरज सेवा लभ्य च तदंत विदि लीलाभिधाना किल कृष्ण शक्ति तवैव मूर्ति तुलसी न लोके वृंदे नमस्ते भक्ता विहीना अपराध लक्ष्मी हिप्ता च कामादि तरंग मध्ये रूपामयी तं शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते वृंदाटकमज प्रणयात पठत बा वृंदावनादी सपदाज भृंग संप्राप वृंदावन नीतवासन तत्प्रेम सेवां लवते प्रसाद वृंदे नमस्ते चरणारविंदम वृंदे नमस्ते चरणारविंदम वृंदे नमस्ते चरणारविंदम वृंदे नमस्ते जय वृंदे जय वृंदे जय वृंदे जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी त्रिलोकसुखहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूभिलाषिनी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सुनु संगते कदा करी शिमा कृपाकटाक्यवाजन शिमा कृपाकटाक्यशोक ब्रूक्य बल्लरी वितान मंडपटिते प्रवाल बाल पल्लव प्रवाजुनांग्री कोम बरात भयास्पुरात करे प्रभोत सांप्रदाल कदा करी सशियमा निरंतरं वशीकृतं तडीसुवर्णचम्पक प्रदीप्त गौरविग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि सारदेन्दु मंडले
विचित्र चित्र संचर चकर सा बलोचन कदा करी सियम कृपा कटाक वाजन मदन मदातियौपन प्रमद मान मंडित प्रियानुरागरंजित कला विलास पंडित अनान धान कुंज राज काम के लिको विदे कदा करी सियमा सहाब भाव धीर हीर हार भूषित प्रभुत सात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सोस्तिन प्रशस्त मंद हास चूर्ण पूर्ण सौख्य सागर कदा करी सियमा लाल बाल बल्लरि तरंग रंग दोलते लता गुलास लोल नील लोचना बलोकने लल नील मोनग मुग्ध मोहनात्रय कदा करी सियम कृपा कटाक वाजन सुवन मालिकांचित त्रिरेख कंभु कंतवि सूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीदीति सलाल नील कुंतले प्रसून गोछ गुंपिते कदा करी सियमा बलांब मान पुष्क मेखला गुण प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्यमंजलि करींद्र सुंदर दंडिका बराह सोभ गौरुके मंत्रनादम जनो पुरारभस्खल समाज राज हंस वंशनी को नाति गौरव बिलोल हे मल्लरी विराम विचारु संक्रमे कदा करी सियमा कोटि विष्णु लोक नाम रोमज बर प्रदे अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नके कदा करी सियमा कृपा कटाक वाजन मखेसरी क्रेसरी सिद्धेसरी सिरेसरी त्रिवेद भारती सरी प्रमाण शासने सरी रमेसरी क्षमेसरी प्रमाद कानने सरी ब्रदेसरी ब्रदाधिके श्रीराधिके नमोस्तुते श्रीराधिके।
राधिके नमः तुते 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 राधिके यं ब्रह्म वरुणुद्र मरुतस्तुन्नति वैष्णवैरि वेदैः सङ्गपदनोति संसानग ध्यानापतितेन मनसः पश्यति योगिनः अथव पञ्चदशाध्याय पुरुषोत्तम श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमदशाखा अश्वतं प्राहुर्वयं छन्दासि जस्य पर्णानि यस्तं वेदस वेदवित् अधश्चदं च प्रसृता तस्य शाखा गुणा प्रबृधा विषय प्रबाला अधश्च मूलानन संततानि कर्मान् बन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्य तथोपलभ्यते नन्तो न चादी न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल मसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गतानानि वर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रभृति प्रसृता पुराणि निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसज्ञै गच्छन्त मूढा पदमभयं तत् न तद्भासति सूर्य न शशाङ्क न पावक यद्गत्वा निवर्तन्ते तदाम परमं मनम् ममैवंश जीवलोके जीवभूत सनातन मनस्सस्तानिन्द्रियाणि प्रकृतिस्तानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चापि क्रामति स्वरः गृहीतैतानि संयाति वायुर्गन्ध निवासयत् सत्रं चक्षुकर्षणं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनस्सायं विषयान् उपसेवते उत्क्रामन्तं तितं वापि भुञ्जानं बगुणानितं विमुडानान् पश्यन्ति ज्ञानचक्षुष यतन्त योगिनाश्चैनं पश्यन्त्यात्मनवस्थितं यतन्त प्रकृतात्मानैनं पश्यन्त्यचेतस यदादित्यगतं तेज जगते भासयति अखिलं यचन्द्रमसि यचाग्नौ तेज विद्धिमामकं गामविश्य च भूतानि धारयाम्यमोजस पृष्टामि चौषधी सर्वासमभूता रसात्मक अङ्गवैश्वानरभूत प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापानसमयुक्ता प्रचामेनं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्ट मतस्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्य वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं द्वाभिमो पुरुषो लोके क्षरसाक्षर एव च क्षरसर्वाणि भूतानि कूटस्थक्षर उच्यते उत महापुरुषतन्यः परमात्यतिदाहृतः जो लोकत्रयमाविश्य विवर्त्य वयस्पर यस्मात्क्षरमतितोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतस्मिन् लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः जो मामेव सङ्मूढजानाति पुरुषतमं स सर्वयोजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं भयानघ एतद्बुद्धबुद्धिमान् सत्कृतकृत्यश्च भारत ओ इति श्रीमहाभारते सत्यसाय संसहितं वैयक्तिकं विष्णुपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतास्योपनिषदुपनिषदसंवादे पुरुषसमयोगना पञ्चदशाध्याय गीताशास्त्रमिदं पुण्यं च पठेत्पवान् विष्णुपदमाप्नोति भयशोकादिवर्जित गीताध्यानश्लेष प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मचनं पञ्चाशलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतां वश्यसानं संसारमलनाशनं गीतास्वगीता कर्तव्य किं मनि शस्त्रविस्तरे जय संपदनाश मुखपदम विस्तृता
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय शांति 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 अभयं सत्त संसिद्धि ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमस्य यज्ञस्य स्वाधाय तपार्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग संतीर पैसनम दया भूति स्लोलुप्तं अर्जवं धीर चापलं देवाख्यमा धृति शौचं तेजाख्यमा अद्रहो नाति मानिता भवन्ति संपदं दैवीं अभिजातस्य भारत Thank you.
अभयं सत्व संशुद्धि, अभय सत्व संशुद्धि जो कहगला सन्यासी लक्षण कह विशेषकर जो मैंने भगवान को भजन कर सब त्याग कर निश्चित से मैंने निर्भीकता हवा दरकार पूर्ण भरोसा शरण कृष्ण पाखे सस्व सत्व संशोधी तर विशुद्धिकरण हवा दरकार कौन स्त्री संपर्क ना धन प्रति लोलुप दृष्टि ना ज्ञान जोग ज्ञान जोग हूँ विशेषकर शास्त्रीय ज्ञान आवश्यकता रही महाराज जी कहते जदि शास्त्र ज्ञान अभाव तेज़े सन्यास नेबा उचित नुह जदि से सन्यास नहीं जाते कौन आचार्य पाखु शुणा दरकार परवर्ती कथा होची दान अभ्यंग सत्य सुंदर ज्ञान जो व्यवस्था यहाँ लगला सन्यास स्थिति दान दमस्क दान आसला दान कर गृहस्थ मान कार्य ये गृहस्थ मान दान प्रथम सन्यास गृहस्थ गृहस्थ मान कार्य दान करेंगे गृहस्थ मान एक साधु उपाय धन रोजगार करेंगे एवं रोजगार अर्धभाग पृथ्वी रे कृष्ण भावना प्रचार दिग्वे खर्च करवा उचित 50% खर्च करवा दरकार करिए लोक मैंने बाबाजी निज मागिरी आजिकल जुग जमी हाँ गाड़ी नहीं बाबाजी नहीं जीवे पिकिदेवे ये मटी एम पूरा राक्षस मटी साधु उपाय जी धन रोजगार करियो जी असत उपाय रोजगार करियो से धन भी कृष्ण चेतन मार्ग लगे कथा नुहे प्रचार पाए साधु उपाय धन रोजगार करिए रोजगार अर्थ पृथ्वी कृष्ण चेतन प्रचार निमित्त खर्च करवा उचित ताहले से मानकर मंगल हो जो संघ ए प्रकार प्रचार काम करुच्छे से संघ को दान करिया हूँ गृहस्थर कर्तव्य जहाँ को दान दे हेनी जो संघ बा जो संस्था भगवत कथार प्रचार करुच्ची संस्था को दवा दरकार कहीं ना भगवान कर प्रचार हो दवा दरकार से दानटा यथार्थ दान हम यदि यदि अनधिकार को दान दवा ताल कौन तार यूटिलाइज ठीक हेनी उपयोग कर पार से दातार मध्य किसी मो कल्याण हेनी से अर्थ भी कल्याण हेनी कार कल्याण हेनी ए तुमार कनक भोगेर जनक कनकेर द्वारे सेव माधव माधव माँ मान लक्ष्मी लक्ष्मी स्वामी हूँ ठाकुर जी समस्त धनर मालिक हूँ सी ताकरी खर्च होगा दरकार जदि भगवत सेवार धन जदि खर्च होनी अर्थ जदि परमार्थ व्ययित होनी ताल से अनर्थ सृष्टि कर ये हूँ सिद्धांत धन अर्जन करुस्त मानी से मानकर अर्जन भी ये प्रकार दरकार साधु उपाय अर्जन होगा दरकार सत उपाय कष्टार्जित धन सीतरी से शत अर्धभाग प्रचार संघ दान करती ताहले उचित से जड़े उपयुक्त पात्र को दान करिया उचित बेस उपयुक्त पात्र हो नी दान करदे सी नहीं कि तार इंद्रिय सुख व्ययित कर लाभ कौन पात्र जदि अपात्र दवापुर बुझा दरकार जानवा दरकार दधीचि हाड़ भी दान करदे देखले देवता मैंने मगुचं आसमान भी निज जगतर कल्याण पर मगुचार ना कौन गोटे महान असुर को बद्ध करने भगवान की इच्छा भी यहाँ ये दधीचि महात्मा पूरा दान कले हाड़ निज प्राण को विसर्जन करदे एमती दान हवा दरकार पात्र देखि दान कर अपात्र दान करदो पैसा दे दो मद खाव नहीं कौन कर सी का दान करदो ठाकुर सेवा से जीव ठाकुर ना कर लुट कर बेपार कर निजर इंद्रिय सुख निज पर परिचालना कर लाभ कौन से दान कर
विभिन्न प्रकार दान अछि, एक कथा परे दर्श वर्णना करा जीवो परे कोई महाराज सब श्रद्धात्र विवाह जोग अछि। विभिन्न प्रकार दान तथा सात्विक दान, राजसिक दान ना तामसिक दान, सात्विक दान को ही शास्त्र मानक अनुमोदन करा जाइछि। सात्विक सात्विक दान अनुमोदन करा जाइछि शास्त्र रे। सत्व दान, राजसिक दान, तामसिक दान शास्त्र अनुमोदन करा जाइनि। सात्विक दान सत् दान सत् उपार्जित दान सत् पात्र दान ताको सात्विक दान कहु, कारण यह केवल अर्थर अपव्यय अटे। जो राजसिक तामसिक दान करुंच अर्थर अपव्यय खाली अहंकार दे थे राजसिक दान अर्थर अपव्यय से समग्र पृथ्वी कृष्ण भवन प्रचार निमित्त दान करा उचित सात्विक दान। भगवत कथार जो प्रचार हो भगवान भक्ति जोग जो जाजन होती दान करा दरकार। राजसिक दान तामसिक दान लाभ कौन से कौन सी कल्याण हम जगत गुरुस्त मानी कर्तव्य से मैंने दान करती दान कर विचार करा दरकार। थ्री टाइप ऑफ दान व्हाट इज दान सत्व कृष्ण चेतन दान कर सात्विक दान भक्ति योग दान अहंकार दान विवच्छ दान ये सब तामसिक राशि दान कह आडंबर दान जिते सब प्रकृत दान होची भगवान कर भजन जुड़ी होची भगवान कर भक्ति जोग जुड़ी जाजन होची सेठी दान करिया दरकार। जुड़ी हरि कथा जन भागवत कथा कर दान दियो, कथार प्रचार होची हरिनाम कीर्तन कर दान दियो, ये सब हल दरकार। आ जड़े किसी ऑर्केस्ट्रा किसी मेलोडी करुच्ची ताकू दान दे लाभ कौन। तत्पर आसला दमह दमश्च दम मान आत्मसंजम आत्मसंजम यहाँ संजमता दरकार। आत्मसंजम कथाटी संपर्क यह ही कहुए पारे जे एहा जे केवल अन्य आश्रम अधिवासी अर्थात गुरु ब्रह्मचारी बानप्रस्त सन्यासी मान प्रति प्रजोज्य ताने या विशेषकर गृहस्थाश्रम व्यक्ति अर्थात गृहस्थ मान प्रति प्रजोज्य। आत्मसंजम खाली त्यागी मानी कह जाए ब्रह्मचारी बानप्रस्थ सन्यासी मैंने गृहस्थाश्रम गृही मानी कह जाए आत्मसंजम दरकार सेल्फ कंट्रोल जो कहला सत्पात्र दान कर सात्विक दान से जो भगवान प्रसन्नता जोड़ी होते सी दान दो। हरिकथा प्रचार हरिकथा कीर्तन भगवान कर सेवारे अलग जगह दान रे कौन भगवान प्रसन्न हे कि राजसिक दान मेलोडी करियो ऑर्केस्ट्रा करियो विभिन्न प्रकार खिया माछ मांस करियो चिकेन मटन करियो मद खाइब यह सब दान करा हो आजिकल कलेक्शन करूजा कर सब दुर्गा पूजा कर गणेश पूजा कर नाड़ा खाली दुर्गा गणेश दुनिया धंदा कर तो दान कर चंदा कर दान भल चंदा चंदा कलेक्शन आत्मसंजम कथाटी संपर्क यह ही कहुए पारे जे यह जे केवल अन्य आश्रम देश यह केवल अन्य आश्रम पाई ना गृहस्थ मान पाई तो प्रजोज्य यहाँ यहाँ बड़ कथा यहाँ जदि तार स्त्री अच्छी तथापि गृहस्थ मनोच्छा बा अजथा इंद्रिय सुखे माति स्त्री संभव करा उचित नहीं सीधा कथा कह गृहस्थ मान पाखे स्त्री रोचान दाम्पत्य जीवन में प्रकृति पुरुष मिलन पर शास्त्र स्वीकृति देती कि तार मान्यजे जिते इच्छा से संभव कर सामग्री ना कौन ना से शास्त्र मर्यादा रहा दरकार।
विभिन्न प्रकार संयमता रहा दरकार। असंत जो मैंने दाम्पत्य जीवन निर्वाह कर पाखर सब बालुंगा कुलांगार जन्म हो सब समाज से फ्रस्ट्रेट सृष्टि कर सब डिस्टेंस आरम्भ से मानक हो जो संयमी हो जो मैंने गुस्त जीवन जापन कर शांति अलग से श्रृंखलित जीवन जापन संयम जीवन जापन से एथपाय गृहस्थ जौन जीवन जापन गृहस्थ मानक निमित्त केतक विधि निषेध अच्छी जौन जीवन जापन करने संभव प्रतिक्रिया करने प्रकृति पुरुष मिलन दाम्पत्य जीवन रे भी किसी विधि नीति नियम अच्छे तार मानना जो गोटे म्यारेज होगा तुमको गोटे लाइसेंस मिलला खाली जीवन सारा खाली भोग कर दिन रात ये ठीक नुहे मनीष कहता पशु कह एनिमल सोसाइटी ह्यूमन सोसाइटी ना से पशु मानक कौन सी नीति नियम से जानते नहीं किसी तथा किसी पशु भी नीति नीति नियम आंकर सीजन भी गोटे अच्छे सब सीजन से भोग करते कि मनीष तो सब जगह पारी हो गला किसी माननी किसी माननी ता केवल वंश रक्षा ते पुत्र उत्पादन निमित्त व्यवहार कर वंश रक्षापी पुत्र उत्पादन कर वंश रक्षापी पुत्र उत्पादन कर घुसरी कुकर भाया पुत्र उत्पादन कर डजन डजन लाइक डग पिग दे हैवंट एनी कंट्रोल सेल्फ कंट्रोल ऑलवेज प्रोड्यूसिंग पुत्र मध्य कृष्ण चेतनशील पुत्र हा दरकार ताक वंश रक्षार्थे उत्पादन हवा दरकार जदि गृहस्थ संतान इच्छा न करे तेबे से स्त्री संभव करे उचित नहीं वाह यदि संतान कामना करूनी ताले स्त्री संभव करिया कथा किंतु देखो शास्त्र केते सुंदर कहते किंतु वर्तमान दुर्भाग्य सोसाइटी समाज एम संतान उत्पादन करूना सब माइंड मेकअप करकार पांच वर्ष पर ना वी रिलैक्स एंजॉय आफ्टर फाइव इयर्स सी ना कौन यही प्रकार विवाह हो पांच वर्ष पर पुत्र उत्पादन बर्तमान कौन औषध खाओ मेडिसिन खाओ कंट्रोल कर उपभोग कर ये ठीक नहीं इज नॉट गुड। महाराज महाराज कहते जदि संतान उत्पादन करिवनी ताहले संभव करिवनी स्त्री संपर्क रखिवनी के जन कर आजिकल बुढ़ा जाक बाहर जो मान संतान उत्पादन क्षमता ना से बहुत कर सब बड़ दुर्भाग्य परिचय एट द एल्ड ओल्ड एज जो मैंने संतान उत्पादन क्षमता ऑलरेडी तो हु लॉस्ट इज संतान उत्पादन क्षमता एबिलिटी टू प्रोड्यूस नॉट ओनली मैन एंड वुमेन ऑल फॉर ऑल ओनली दिस जदि गृहस्थ संतान इच्छा न करे तेबे से स्त्री संभव करिया उचित नहीं। आधुनिक समाज रे लोक माने संतान उत्पादन निरोध करिबा एवं संतान रो दायित्व नेबाको निवृत्त हेवा निमित्त निरोध व्यवस्था ग्रहण करी जौन जीवन उपभोग करछन जहाँ कि एक अत्यंत घृण्य विधि अटे आजिकल सब निरोध कंडम व्यवहार करछन सब जोटा कि संतान उत्पादन काले हो प्रकार से निजर इंद्रिय भोग प्रति एत लालायित जोटा कि शास्त्र निंदा कराई से सब वस्तु व्यवहार करोग कर ठीक नुह महाराज कहते बड़ अत्यंत घृण्य विधि अटे बर्तमान समाज में प्राय हो संतान दायित्व नवर निवृत्त होगा निमित्त संतान जन्म किए जंजा नब से प्राय चाहू ना संतान जन्म करने कि भोग करने चाहते ये तो बहुत कराय कि बहर उद्देश्य नहीं जे इंद्रिय सुख पाई विवाहर उद्देश्य होची जने वंश रक्षार्थे पुत्र उत्पादन पाई
यह दैवी प्रकृति नुहे, यहाँ को दैवी प्रकृति कह आसुरिक प्रकृति यह आसुरी प्रकृति अटे असुर मानक स्वभाव एक प्रकार खाली भोग करेंगे से किंतु दैवी स्वभाव शास्त्रानुमोदित भाव जीवन को संयम करेंगे जेकोसी लोक एपरिक से जदि गृहस्थ होता है से जदि दिव्य जीवन मार्ग में अग्रगति करने चाहे ताल ताको तार जननेन्द्रिय को संयत करने को अर्थात संयत जौन जीवन जापन करने को निश्चित रूप त्यागी मान तो प्रश्न ही ना देर इज नो क्वेश्चन फार त्यागी तो मनरे भी धारणा करा दरकार नहीं मेन्टाल भी इसको चिंतन करा दरकार नहीं किंतु गृहस्थ जीवन पर जो मानक स्वीकृति दि जाए जौन जीवन सेटा भी संयमता दरकार से संयत करने को संयत जौन जीवन करने को जदि तार कृष्ण सेवार उद्देश्य नाई तापक्ष संतान उत्पादन करवा उचित नुहे यदि भगवत सेवा करिया पाई तार उद्देश्य नाई कृष्ण चैतन्यशील संतान जी तार उच्छा नाई ताहले महाराज को से विवाह से संतान उत्पादन से जौन जीवन करिया कथा नुहे संतान उत्पादन जनित उचित नुहे कहीं ना तरह जी जन्म हो भोग कामना कर जो मैंने परस्पर मिलित होती परस्पर उभय प्रकृति पुरुष जो भोग कामन जी जन्म हुए सी तो बड़ भोगी ही जन्म हे किंतु भगव चिंतन करी जे जन्म जो ओरस जे जन्म होती है भगव चिंतन रु से फल अलग से निश्चित रूप भक्त हे आ तार जीवन मानदंड अलग प्रकार हे ये महाराज जी कहते से उत्पादन करा उचित नहीं कृष्ण सेवा बा कृष्ण प्रीत्यार्थे संतान उत्पादन करा उचित जड़े संतान उत्पादन कर कृष्ण सेवाई गच्छ गोटे लगे तार फल जदि भगवान सेवार न लगला से मूल्य कौन से फल रहा यज्ञ अर्थात कर्मण अन्यत्र लोकं कर्म बंधन यज्ञ अर्थात कर्मण अन्यत्र अन्यत्र कर्म जी है से यज्ञ को लोक बंधन कर्म हो गला तो भगवान के प्रीत्यार्थे ही दाम्पत्य जीवन करिया दरकार आमर जिते महाप्रभु समय प्रभुपाद समय पूर्व सब गृहस्थ भक्त ऋषि मुनि मान सब गृहस्थ थे कि जीवन बड़े संयम जीवन थी एबकार भाया गृहस्थ नहीं मैंने गृहमेधी सब गृहमेधी पूरा चौबीस घंटा से घना जी गोर तेल पेड़े जो प्रकार मिलिंग करे से प्रकार चौबीस घंटा एम खाली खाऊ बास इंद्रिय कर किसी काम नहीं इटिंग एंड मेटिंग आउ कि ना ये दुटा धंदा भोक खाई दे बल होगा पर आउ थे से उपभोग कर पशु पशु मान प्रवृत्ति मनुष्य मानक संयमता दरकार कृष्ण भक्त पुत्र उत्पादन करिया सक्षम थे कि प्रश्न सब कृष्ण भक्त हो तार संसार किम चलो कृष्ण भक्तर अर्थ नुहतेगी हो से कथा कह जाए ना जड़े जन चाकरी भी करियो बिजनेस भी करियो विभिन्न प्रकार विवाह भी करियो किंतु कृष्ण भक्त हवा दरकार कृष्ण भक्त हो जन्म हवा दरकार आज जन्म रु तुसी दी पत्र जिन बासे जन्म रु जी प्रसाद बिना किसी खाइबनी बस एकादशी पालन कर प्रकार विभिन्न प्रकार नीति नियम सब अच्छी कृष्ण भक्त आचरण कर शह पुत्र उत्पादन कर यदि जन कृष्ण चेतन कृष्ण भक्त पुत्र उत्पादन कर सक्षम होता है तो महाराज कहते हैं शह शह पुत्र उत्पादन कले चलो ये कैन प्रड्यूस मोर देन हंड्रेड जदि से कृष्ण चेतनशील होती कृष्ण चेतनशील पुत्र उत्पादन कर समर्थ समर्थ किए जे निजे कृष्ण भक्त होते से करना जे निजे कृष्ण भक्त होती जहाँ स्वामी स्त्री उभय कृष्ण चेतनशील होते सेमान को ओरुस रु जेते संतान जन्म हेले मध्य सेमान कृष्ण भक्त ही हेबे निश्चित रूप से कहीं सेमान जानती रहस्य ए तत्व को जानती सेमान असमान प्रायतः साधारण प्रकृति पुरुष सदृश जौन बुभुक्षु से न थांती से खिदा तांकर
ଏତେଟା ପ୍ରବଳତା ନଥାଏ। ଯଦି ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ଭଗ ଚିନ୍ତନ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଗୁରୁସ୍ମରଣ କରି ବା ନିଜେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଶୀଳନ କରି କରି ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେଇ ଅରୁଷରୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ସେ ମହାନ ଭକ୍ତ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ଭକ୍ତ ଜଣେ ଜନ୍ମ କରିପାରୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଉ ଶତାଧିକ ପୁତ୍ର ସେ ଜନ୍ମ କରୁ। ବଟ୍ ଅଲ୍ ବି ଡିଭୋଟି ଭକ୍ତିନ ଠାକୁର ଅଲ୍ ଦ ପ୍ରୋପାସ୍ ଦ ବ୍ରଦର୍ସ ଓକେ ଦେବର ନଟ୍ ଇନ୍ କ୍ରିଷ୍ଣ କନସିୟସନେସ୍ ବଟ୍ ଦେ ଆର୍ ଡିଭୋଟି ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ଲାଇକ୍ ଦ ମଡର୍ନ କିଡ୍ସ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ମିଶିବା ସମୟରେ ମିଶ୍ରଣ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପୁରୁଷର ବୀର୍ଯ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅରୁଷରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବ ସେହି ସମୟରେ ଚିନ୍ତନଟା ହିଁ ବଡ଼ କଥା। କବିଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ଯଦି ଭୋଗ ଚିନ୍ତନ ଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ସେଥିରୁ ଫଳ ଭଲ ଭୋଗ କୃଷ୍ଣ ଚେତନ ପୁତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ। ତେଣୁ ସେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୋଟେ ଅଛି, ସମୟ ଅଛି, ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହୁଛି କାର୍ଯ୍ୟ। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପଙ୍କୁ ଚାରିଟା ପୁଅ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ ନା, କାରଣ ତାଙ୍କର ମିଳନଟା ବଡ଼ ମାନେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଥିଲା, ପରମାର୍ଥୀ ପରିବେଶ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ନିମିତ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ଭବ କରିବା ଯୌନ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ପୁତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯଦି କାହାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ସେ କେବେ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ନିମିତ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ଭବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିଏ ମାନୁଛ ଓକେ ହିଜ୍ ସନ୍ ଅଲ୍ସୋ ନଟ୍ ଡିଭୋଟି ବଟ୍ ହିଜ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସନ୍ ଅଲ୍ସୋ ୱାଇ ହାଉ ଇଜ୍ ଏ ହେପନ୍ ସମ୍ 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 ସିମ୍ପଟମ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର ଡିଭୋସନାଲ ସିମ୍ପଟମ୍ ଅଦର୍ ହାଉ ଇ ଦିସ୍ କ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ସମ୍ ବେସ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର ୱି ମେ ନଟ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ହିଜ୍ ନଟ୍ ଡିଭୋଟି ସମ୍ ବେସ୍ମେଣ୍ଟ ନଥିଲେ ଗଛ ହେବନି ନା, ପଥର କିଏ ଗଛ ହେବନି, ମାଟି ଉର୍ବର ଅଛି, ଦ ଫିଲ୍ଡ ମଷ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ୟୁର୍ ମାନେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଅଲରେଡ଼ି ଅଦରୱାଇଜ୍ ହାଉ ଦ ସିଡ୍ସ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଦ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଦାନ ହେଲେ ତ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପାର୍ଷଦ ନା, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଦାନ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାର୍ଷଦ ସିଏ ରହିଛି ସେଇଟା ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇ ସେ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ତ ପାର୍ଷଦ ତ ଗ୍ରହଣ ଭୁଲିଗଲେ ହେବନି ନା। ସମ ଲୀଳା ଦୋଜ୍ ଆର୍ ଗ୍ରେଟ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ଦେ ଲର୍ଡ ହେଜ୍ ଗିଭେନ୍ ସମ୍ୱାନ୍ ଥ୍ରୁ ସମ୍ ଲେସନ୍ ଦ ପ୍ରଭୁପାଦ ହାଉ ଦ କମେଣ୍ଟ ରିଟର୍ନ ଏବାଉଟ୍ ଦିସ୍ ଅତ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ ବିକଜ୍ ସମ୍ ଫଲୋର୍ସ ଇଭେନ୍ ଅଲ୍ସୋ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ସନ୍ ନଟ୍ ଗ୍ରେଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଦ ହିଜ୍ ଫାଦର୍ ଅଦ୍ୱୈତାଚାର୍ଯ୍ୟ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଲେସନ୍ ଟୁ ଦ ସୋସାଇଟି ସୋ ୱି ମେ ନଟ୍ ରିସିଭ୍ ଏଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନେଗେଟିଭଲି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲେସନ୍ ବିକଜ୍ ସମ୍ ଲର୍ଡ ଇଜ୍ ନୋଇଙ୍ଗଲି କ୍ରିଏଟିଂ ସି ସିଚୁଏସନ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ଦ ଲେସନ୍ ଟୁ ଦ ସୋସାଇଟି ସୋସାଇଟି ସପ ଅଦ୍ୱୈତାଚାର୍ଯ୍ୟ ଇଜ୍ ହାଇଲି ଏକ୍ଜାଲ୍ଟେଡ୍ ପର୍ସନ୍ ଇଫ୍ ସମ୍ ଅଦର୍ ଅର୍ଡିନାରୀ ଡିଭୋଟି ସନ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟିଂ ସୋ ମେନି କ୍ରିଟିସାଇଜିଂ ଦେନ୍ ନୋ ୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ସି ଦିସ୍ ବଟ୍ ଅଦ୍ୱୈତାଚାର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପଏଣ୍ଟ ନାଓ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲର୍ଡ୍ସ ଡିଜାୟାର ମେ ବି
So we may not see the negative, only positive. Our vision like this, what to do? The mundane look is like this, always sees the black spot, but never look the whiteness. This is the our situation, society situation. This is everyone become devotees, some devotees, activities there. If father, mother devotee, there is no doubt. Some fortunate soul take birth there. It is sure. इंद्रिय सुख पाई स्त्री संभव करिया जौन जीवन जापन करिया उचित नहीं ये दिला मैंने इंद्रिय सुख पाई जाने स्त्री संभव कर दी ये तेल असुविधा इंद्रिय सुख पाई निजे खाली स्त्री संभव करन दी खाली इंद्रिय सुख पाई सेठी जे जन्म से अलग कथा से कौन है पर नहीं पारे किंतु कृष्ण भक्त जी से केवल इंद्रिय सुख पाई जौन जीवन जापन करिवनी असंभव ना आम कही पारे भक्त ठाकुर इंद्रिय सुख पाई करतुले आम कही पारे अध्यक्ष इंद्रिय सुख पाई करतुले कहले अपराध मरिया कथा सो दिस टाइप ऑफ थिंकिंग इज आल्सो वन टाइप ऑफ ऑफेंस फॉर अस दानं दमश्च यज्ञस्य यज्ञ होचे आउ गोटे कर्म जहा कि गृहस्थ मानकर करणीय यज्ञ मध्य गृहस्थ मान करिवे कारण यज्ञ कर्मानुष्ठान निमित्त प्रचुर अर्थ आवश्यक यज्ञ करिया पे अर्थ दरकार आ त्यागी मान कोडी अर्थ आणी आजकल त्यागी मान तो बड़ बड़ यज्ञ करछन अभाव नै कलि युगरे ए मान पर बेसी पैसा किंतु नियम होची गृहस्थ मान को अर्थ रे यज्ञ हुए अन्य आश्रम रे लोक जथा ब्रह्मचारी वानप्रस्थ एवं सन्यासी मान को पैसा पत्र नै इमान रखी दौरान भगवान किन्तु वास्तव में इमान पाखे कपरदक शून्य ब्रह्मचारी वानप्रस्थी गृहस्थ मान सन्यास मान किसी पैसा न था से भिक्षा कर जीवन निर्वाह करती तेणु विभिन्न प्रकार यज्ञकर्म करिया होची गृहस्थ मानकर कर्तव्य ये चारि आश्रम केवल गृहस्थ मास्तर जोड़ा धन उपार्जन करने सक्षम से प्राय नीति नियम ये यज्ञ भी तांका लागू कराई विभिन्न प्रकार यज्ञ कर्म होची गृहस्थ कर्तव्य वैदिक शास्त्र मानक दिया निर्देश अनुजाई अग्निहोत्र यज्ञ करिया उचित किंतु आजिकल से प्रकार यज्ञ अनुष्ठान करिया बड़ा व्यय सापेक्ष अटे एवं यह कौन सी गृहस्थ प्रक्रिया अनुष्ठान कर संभव नुहे नियम हो अग्निहोत्र यज्ञ कर होम आहुति सु यज्ञ करा दरकार बड़ बड़ यज्ञ किंतु व्यय बहुत व्यय सापेक्ष पैसा अर्थ दरकार एथिपाई कलि युगर ये संभव नुहे समस्त पक्ष सब गृहस्थ पक्ष तेणु अनुष्ठान संभव नुहे ये युगर एकमात्र अनुमोदित यज्ञ तथा सर्वोत्तम यज्ञ हूँ संकीर्तन यज्ञ सब शास्त्र या को स्थिरीकृत कराई सन्त ऋषि मैंने अनुमोदन कर ग्रहण कर भगवान के द्वारा ये अनुमोदित संकीर्तन यज्ञ कलौ संकीर्तन यज्ञ जजंती ही प्राय जजन प्राय संकीर्तन यज्ञ जजंती सुमेधशाह कला एथिपाई संकीर्तन यज्ञ द्वारा ही से परतत्व को आराधना करा जो जगत रे कृष्ण वर्णं तिशा कृष्ण संग पंगस्त्र पार्षदम प्राय संकीर्तन यज्ञ जजंती सुमेधशाह हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ये होचि ए युगर संकीर्तन यज्ञ कीर्तन यह हूँ सर्वोत्तम यहाँ हूँ तथा व्ययरहित यज्ञ ये कौन से पैसा खर्च ना बसला महंत्र कला कौन पैसा खर्च ना किसी भक्त बसीगले बास मृदंग आसला करताल आसला बस हरिनाम कले ए खर्च किसी ना समय प्रकृत विनियोग है आध्यात्मिक अनुशीलन है भगवान प्रसन्न ए गुरुवर्ग प्रसन्न ए युगर श्रेष्ठ सर्वोत्तम यज्ञ हूँ कीर्तन प्रत्येक अनुष्ठान करें
कि स्त्री कि वृद्ध कि बालक कि पुरुष समस्ते यज्ञ करिपारिबे। यज्ञ माने सत्कर्म जाव प्राय यज्ञ माने लोकंकर धारणा होची यज्ञ अर्थ होची निया कुंड उड़ी करा है तो आहुति दिया हो तो निया उठती हो पूरा अग्निशिखा। साधु मान लोकों धारणा होती दाढ़ी रखे पाउँस बुलेवे ये सब गोटे प्रकार धारणा किंतु वास्तव शास्त्र सिद्धांत सेमती नुहे। शास्त्र यज्ञ कहला भगवान का प्रसन्नता जहाँ कराए से ही यज्ञ कौन भगवान का प्रसन्नता सत्कर्म जो यही युगरे शास्त्र स्त्रीकृत होती हरिनाम ही सब बड़ यज्ञ हरिनाम यज्ञ ही सब श्रेष्ठ। सुफल प्राप्त मध्य हो पड़े तेणु ये तीनोटी कर्म अर्थात दान आत्मसंजम आ यज्ञ अनुष्ठान गुरुस्थ मानक करणीय ये जो द्वितीय उपाय कहगला दान दमस्य यज्ञ ଏଇଟା ଦରକାର ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କର। ଅଭୟଂ ସତ୍ୟ ସଂସିଦ୍ଧିର ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଏଇଟା ହେଉଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର। ଗୃହସ୍ଥମାନେ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ଆତ୍ମସଂଯମ ହେବା ଦରକାର ଆଉ ଯଜ୍ଞ କରିବା ଦରକାର। ତା ବୋଲି କ'ଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଆତ୍ମସଂଯମ କରିବେ ନା ଯଜ୍ଞ କରି ନାମ କରିବେନି ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ କରିବା ଦରକାର। ହରିନାମ ତ ସମସ୍ତେ କରିବେ ଆତ୍ମସଂଯମ ତ ସମସ୍ତେ ପାଇଁ ଦରକାର। ଅବଶ୍ୟ ଦାନଟା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖାଯାଏନି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କୁ ଦାନ କଥା କୁହାଲା ସେ ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ତିନିଟିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ ଭାବେ ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ହେଲା ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କର ଦାନ ଆତ୍ମସଂଯମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ ଯୋଗ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାପରେ ଆସିବ କ'ଣ ସ୍ୱାଦାୟ ତପ।